आज के इस अवसर पर जहां आज एकादशी का दिन है, आज हमारे यहां लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली बहुत लंबे समय से मनाई जाती रही है और हमने भी यह तय किया कि जो हमारा लोक पर्व है, हमारी लोक संस्कृति है, ये हमारी नई पीढ़ी को भी विरासत में मिलनी चाहिए। इस पीढ़ी के पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम आगे बढ़ने चाहिए जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर सदियों से जिस मान्यता को, जिस संस्कृति को अपनाया जाता रहा है, वह संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज के दिन को हमने, उत्तराखंड सरकार ने आज के दिन को अवकाश के रूप में घोषित किया है। इस लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली अपनी बहनों को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत और सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। उनके सारे कार्यक्रम देश की मातृशक्ति को समर्पित होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में जब भारत के सीमांत गांव माणा में प्रयास के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों से जो धार्मिक यात्रा में आते हैं, अपनी सामाजिक यात्रा में आते हैं या अपने पर्यटन की यात्रा में आते हैं, किसी भी यात्रा में आते हैं, उन सभी से उन्होंने देशवासियों से एक अपील की है कि आप अपनी यात्रा में कुल खर्च होने वाली धनराशि उसका 5% हमारे जो वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन उत्पादों को खरीदने में खर्च करें, उसका उन्होंने आह्वान किया है, जो कि स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि ऐसे उत्पाद आपके घर में पहले से रखे हों, आपके पास पहले से वो उत्पाद हों, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार है कि मैं संपूर्ण देशवासियों से यह अपील करता हूं कि आपके पास होते हुए भी आप यह संकल्प लें कि 5% की धनराशि उन स्थानीय उत्पादों को, उन स्थानीय जो बहनें उसको निर्मित करती हैं, उनके बनाने में खर्च करें। भाइयों बहनों, मातृभूमि और मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रति सजगता का अनूठा उदाहरण, सजगता का, संवेदनशीलता का, सबको आत्मनिर्भर बनाने का, सबको आगे लाने का, हमारी मातृशक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का, उनको हर प्रकार से सुविधाओं को देने का अगर उदाहरण किसी ने दिया है तो भारत माँ के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस मेले के अवसर पर आज मुझे महिलाओं की समृद्धि के लिए एक विशेष घोषणा करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विजन 2025 के अंतर्गत जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड राज्य जब अपने 25 साल स्थापना के पूरे कर रहा होगा, यानी कि जब 25 साल का होगा, तब हम अपने प्रदेश की 1,25,000 बहनों को, 1,25,000 मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में राज्य में संचालित विभिन्न विभागों की रोजगार परक योजनाओं के साथ साथ कन्वर्जेंस कर प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक की जाएगी, यह भी मैं आज घोषणा करता हूं।
हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, हमारी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार राज्य में ऐसे अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके क्रियान्वयन का कार्य कर रही है, जिससे हर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान हों। मैं अपनी बहनों से यह भी कहना चाहता हूँ, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जहाँ आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं को रोजगार करने का काम करती हैं, स्वयं का काम करने का तो काम करती हैं, अपने साथ साथ जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे 3.5 लाख से भी ज़्यादा मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में महिला उत्थान के भावना को सबसे ऊपर रखते हुए जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, उज्ज्वला योजना, आप जरा विचार करिए। खबर पहाड़ में इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार।